क्या आप बच्चों के लंच के लिए ऑफिस के लिए टेस्टी नाश्ता बनाना पसंद करते हैं? तो आज मैं आपको सिखाऊंगी गेहूं के आटे से बनी टेस्टी नाश्ता। ये रेसिपी बच्चों के लंच डिनर ऑफिस के लिए परफेक्ट है। आप इसे जब भी चाहे फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये नाश्ता बनाना बहुत ही आसान है और इसका स्वाद लाजवाब है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव किचन। तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से टेस्टी नाश्ता। ये नाश्ता बच्चों के लंच ऑफिस के लिए परफेक्ट है और इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कप गेहूं के आटा। आज के नाश्ता हम गेहूं के आटे से बनाएंगे, तो एक कप गेहूं के आटा लिया है और इसमें डालेंगे एक चम्मच बेसन। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और एक चम्मच डालेंगे इसमें तेल। तो तेल घी कुछ भी आप डाल सकते हैं, पर घी डाले तो थोड़ा उसे मेल्ट करके डाले। तब इन सारे चीजों को मिक्स करेंगे और इसका आटा लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा लगाना है। तो आटा हमें नहीं ज्यादा सख्त लगाना है, नहीं ज्यादा सॉफ्ट लगाना है, जैसे रोटी की आटा लगाते हैं वैसे हमें आटा लगाना है। तो आप देख सकते हैं आटा लगा लिया है और आटा लगाने में हमें आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी लगा है। आप देख सकते हैं इतना पानी बच गया है। तो आटे को रेस्ट करने देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर लिया है दो कच्चे आलू और इसे छील करके धुल लिया है। तो आलू को हमें कद्दूकस करना है, तो ये मोटे वाले से कद्दूकस कर लेंगे। तो इस तरह से आलू को कद्दूकस कर लेना है और इसे तुरंत पानी में डाल देना है और इसे अच्छे से धुल करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं आलू को कद्दूकस करने के बाद 2 से 3 बार अच्छे से पानी में इसे धुल लिया है और धुल करके एक प्लेट में निकाल लिया है। इसका पानी सारे निचोड़ दिया है, आप देख सकते हैं इसमें पानी नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तब यहाँ गैस पर पैन या कढ़ाई रखेंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल को गर्म होने देंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज को इस तरीके से कट कर लिया है स्लाइस में। आप देख सकते हैं लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लेना है आपको, इसे चॉपिंग नहीं करना है, इस तरीके से स्लाइस में ही आपको कट करना है। तो प्याज डाल देंगे, तेल में हमें कुछ भी नहीं डालना है, प्याज डालेंगे और हल्का सा इसे फ्राई करना है। हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा प्याज का कलर चेंज हो जाए उतना ही हमें इसे फ्राई करना है। तो अब आप देख सकते हैं प्याज का हल्का कलर इसका चेंज हो गया है, इससे ज्यादा हमें इसे नहीं फ्राई करना है। तब इसमें हम डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ आलू, अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आलू को पूरा पानी निकाल करके ही आपको डालना है और आलू हमारा कच्ची है तो इसे थोड़ा सा पकाना है, हमें थोड़ा सा इसे क्रंची करना है। तब आप देख सकते हैं आलू हमारा हल्का सा क्रंची हो चुका है। तब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स, 2 हरी मिर्च को बारीक काट करके डालेंगे। तो 2 हरी मिर्च को काट करके डाल दिया है। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है। अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीजों को और इसी के साथ डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारी चीजों को मिक्स करेंगे। तब बस सारे मसाले को हमें आलू प्याज के साथ हल्का सा भून लेना है, ताकि हमारा आलू भी अच्छे से पक जाए और मसाले भी भून जाए। तब आप देख सकते हैं आलू भी हमारा अच्छे से पक चुका है और मसाले का कचापन भी निकल गया है। तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल लिया है, अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तब तक हम आटे को देख लेते हैं। तो इधर आटे भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है, तो थोड़ा सा इसे और मसल लेते हैं हाथों से। और यहाँ पर एक चकला बेलन लेंगे और आटे से एक लोई निकालेंगे। तो रोटी आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं, जितना आपको पसंद है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक लोई बनाएंगे और इस तरीके से सूखे आटे में इसे इस तरीके से कोट कर देंगे और इसे रोटी बनाएंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरीके से रोटी बना लेना है। तो आप देख सकते हैं रोटी बना लिया है, रोटी को बेल लिया है आप देख सकते हैं। तो रोटी मैंने ज्यादा छोटा नहीं बनाया है, बड़ा ही बनाया है। तो अगर आप छोटा रोटी खाते हैं तो भी थोड़ा सा बड़ा ही बनाए। और इधर हमारा आलू का मिक्सर जो है वो भी ठंडा हो गया है। तो ये आलू के मिक्सर को हम ये रोटी के ऊपर डालेंगे। तो चारों तरफ हमें नहीं फैलाना है, बस बीच में ही फैलाना है इसे। तो इस तरीके से फैला देना है और इसके ऊपर से फिर दूसरा रोटी डालेंगे। दूसरा रोटी मैंने बना करके रखी थी, इसके ऊपर से हम इस तरीके से डाल देंगे और साइड से
इस प्रकार से हल्का सा हम हाथों से दबा देंगे। तो हाथों से इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। और इसके बाद आपको लेना है कोई सा घर के कटोरा ले सकते हैं या कोई चीज का डब्बे का ढक्कन भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हमें इसके ऊपर रख करके हम इस तरीके से दबा करके कट कर लेंगे। तो इस तरीके से कट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सारे आटे को हमें बना लेना है। तो इस तरीके से आप कोई भी ढक्कन या घर के कटोरे से आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो ये पहला पीस हमारा बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से बाकी के पीसेस हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब गैस की तरफ। अब इधर गैस पर कढ़ाई रखी है और इसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है और ये तेल जो है गर्म हो गया है, तब इसमें हम नाश्ते को डाल देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं या तवा भी ले सकते हैं। और एक तरफ से अच्छे से सेकने देंगे, उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। तो एक तरफ से सेकने के बाद हम इसे पलट लेंगे इस तरीके से। तो इस नाश्ते को बनाने में बहुत ही आसान है, आप कभी भी इसे झटपट बना सकते हैं, बच्चे को लंच के लिए भी बना सकते हैं। तो इस नाश्ते को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इसे सेकना है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फूल भी गई है। तो ऐसा नहीं है कि ये नाश्ता आपने बनाया नहीं होगा, बनाया होगा, पर इसका तरीका थोड़ा अलग है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है नाश्ता हमारा। तब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, तब देख सकते हैं कितनी अच्छी फूली फूली ये नाश्ता बना है। आप चाहे तो इसे आलू पराठा भी बोल सकते हैं, पर ये कच्चे आलू से बना हुआ है। तो इसी तरीके से दूसरा नाश्ता भी हम सेक लेंगे। इसी तरीके से सारे नाश्ता हम सेक लेंगे। तो ये लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता हमारा तैयार है। तो आपको लग रहा होगा कि ये नाश्ता बहुत तेल वाला है, पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बनने के बाद ये बिल्कुल सूखे हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल तेल नहीं है। तो एक नाश्ते को मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने बरोबर भरा हुआ है, चारों तरफ से बिल्कुल बरोबर गया है आलू इसमें, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आलू के पराठे तो आप बहुत बार बनाए होंगे, खाए होंगे। एक बार ये मेरे तरीके से आप आलू पराठे बनाए, आपको ये बहुत पसंद आने वाले हैं और इसमें कोई झंझट नहीं है। इंस्टेंटली आप जब आपको मन हो ये फटाफट से बना सकते हैं, इसमें आपको आलू उबालने की भी जरूरत नहीं है। तो एक बार जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। तो इस नाश्ते को आप चटनी सॉस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट्स में जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।